नमस्कार मेरे दोस्तों, जैसा कि आपने ग्रुप में बोला कि हमें औषधीय फसलों से संबंधित क्लास की आवश्यकता है, तो अपन आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपके अंतिम, ये सिलेबस में अंतिम टॉपिक है और औषधीय फसलों के बारे में सिलेबस में लास्ट में दिया हुआ है, तो मोटी मोटी जानकारी पहले अपन किताब से लेंगे, उसके बाद अपन एंड नोट्स या कहीं और जगह महत्वपूर्ण जानकारी अपने को मिलेगी तो वहाँ से लेंगे। तो आप सभी का आरंभ एग्री क्लास पर प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आपको सबको पता है कि राजस्थान की वो भर्ती जिसका आप इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से, कृषि पर्यवेक्षक की, वो आपके सामने आ चुकी है और 430 पोस्ट निकली है। आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी डाल दें, आपकी तैयारी रेगुलर रहेगी। तो आपके सिलेबस में दी गई है तुलसी, दी गई है सफ़ेद मूसली, दी है सब। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी है जो आपके सिलेबस में दे रखी है। यहाँ पे है जो मुख्य मुख्य औषधि फसलें हैं, वो है औषधि फसलें हैं आपके, एक तो है इसमें है राजस्थान के संदर्भ में फूलों औषधियों की खेती, औषधि पौधों, यानी कि इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है कि कौन सी फसल का राजस्थान में पैदावार होती है, या केवल इसमें इतना दिया है औषधि पौधों व फूलों की खेती राजस्थान के संदर्भ में। तो मैं आपको मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ कि राजस्थान में कितनी तरह की तो औषधियाँ उगाई जा रही है और उस पर कितना काम हो रहा है। तो आपको सबसे पहले अगर कोई बात करेगा राजस्थान में, तो गूगल की खेती होती है, सर्पगंधा की खेती होती है, तुलसी की खेती होती है, सफ़ेद मूछली की खेती होती है, इसके बाद ग्वार फटा आता है, इसके बाद में सतावरी, कालमेघ और तुलसी, सनाई, गिलोय, ये सब आपने कोरोना में बहुत दिन के नाम सुने होंगे। इस सब गोल बहुत खतरनाक चीज़ है जो राजस्थान में ही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन राजस्थान में ही होता है। तो ये चीज़ें हैं आपके सिलेबस में, आपको ये ध्यान रखना है। तो एक आप अपनी डायरी ले लें और उसमें नोट्स बनाते हुए चले, मैं बोलता जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पेड नहीं है लिखने के लिए, तो मैं थोड़ा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो लिख दे, लिख लो, टॉपिक डाल लो, राजस्थान में औषधि पौधे व फसलें और फूल व उसकी जानकारियाँ या उससे संबंधित योजनाएं। तो पहले नंबर पे लिखो, टॉपिक नंबर एक डाल लो, बिंदु नंबर डाल लो, संख्या नंबर डाल लो, कुछ भी डाल लो, औषधि पौधों की खेती में मामले में राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। कृषि विभाग के अनुसार 2074 हेक्टर में विभिन्न प्रकार की औषधि खेती होती है, जिसमें करीब 1.44 लाख मीट्रिक टन, यानी कि ये आंकड़ा 2021-22 का है, जिसमें 1.44 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। सर्वाधिक सिरोही, उसके बाद में पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर के कुछ हिस्सों में इसबगोल की खेती होती है। एक स्कीम चल रही है जो कि भारत की है, घर घर औषधि योजना, इसके अंतर्गत 22-23 में, नोट कर लेना, घर घर औषधि की योजना के अंतर्गत राजस्थान में वर्तमान में प्रति परिवार या प्रति जो भी व्यक्ति पौधा लेना चाहता है उसे कितने पौधे, 8 पौधे घर घर औषधि के अंदर, जो कि अगर स्कीम पूछ ले कि घर घर औषधि में कितने पौधे ले सकते हैं, तो 8 पौधे ले सकते हैं। कितने, 8 पौधे ले सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से पौधे होंगे,
जो कि घर घर औषधि की जो योजना चल रही है उसके अंदर कौन कौन से पौधे होंगे उन पे आप टिक लगा लें। पहले होगी तुलसी, होगी आपकी, उसके बाद में अश्वगंधा होगा, उसके बाद में आपका काल मेघ होगा और गिलोय, यानी कि ये चार तो पिक्स हैं। इसके अलावा दो दो पौधों के स्थान पर किन्हीं भी दो प्रकार के चार पौधे भी ले सकता है। ये घर घर औषधि योजना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त 2021 को अपने राजस्थान में प्रारंभ हुई थी, और प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के पौधे निशुल्क उपलब्ध करवाए गए थे। योजना में जो कि 2022-23 में भी ये योजना निरंतर चल रही है, तो इसके अंदर भी आपको 8 प्रकार के पौधे दिए जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपन तुलसी की ओर। तुलसी का आपसे वहाँ पे प्रचलित नाम, कॉमन नेम तुलसी है, तुलसा भी बोलते हैं, तुलिन भी बोलते हैं, और इसका बोटनिकल नेम क्या है, ओसिमम प्रजाति। बोटनिकल नेम याद रखना है, ओसिमम प्रजाति किस पौधे का नाम है। ओसिमम, ओसिमम यानी कि तुलसी, तुलसी का नाम, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोटनिकल नेम है ओसिमम प्रजाति। और ये कौन से कुल से संबंधित रखती है, तो ये है लेमियेसी, लेमियेसी यानी कि तुलसी के पौधे का कुल कौन सा है, तो लेमियेसी आपको याद रखना है। तुलसी अपन हर जगह देखते हैं, भारत में तो हर मंदिर के आंगन में तुलसी उगाई जाती है, इसका धार्मिक महत्व भी है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि इसके अंदर औषधीय गुण होते हैं, इस कारण ये पुराणों के अनुसार भी इसको महत्व स्थान दिया गया है। मतलब तुलसी औषधीय गुणों से की दृष्टि से एक अमृत बूटी के नाम से किस औषधीय फसल को जाना जाता है, स्टार लगा के लिख लो। अमृत बूटी के नाम से किस फसल औषधि को जाना जाता है, औषधि पौधे को जाना जाता है, तो तुलसी को लिख लो। क्वेश्चन आएगा अमृत बूटी के नाम से कौन से औषधि पौधे को जाना जाता है, तो अमृत बूटी के नाम से तुलसी को जाता है। भारत ही नहीं अभी तो विश्वव्यापक में तुलसी पाई जाती है। तुलसी का स्थान या जन्म स्थान एशिया, तुलसी का मूल स्थान या उत्पत्ति स्थल उत्तर पूर्वी क्षेत्र को माना जाता है। कौन से क्षेत्र को, एशिया के उत्तरी पूर्व को, एशिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को तुलसी का मूल स्थान या उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तुलसी के पौधे आज भी जंगल अवस्था में विश्व के अनेक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिंदू समाज में तुलसी की पूजा की जाती है, प्रतिदिन पौधों पर जल चढ़ाया जाता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रहण इनमें आपको बता दिया, ग्रंथों में तुलसी की जानकारी मिलती है। ठीक है, तुलसी में यहाँ आ जाओ सीधे। तुलसी में अनेक सुगंधित तेलों का स्रोत है। तुलसी का अंदर क्या निकलता है, तेल निकलता है जो कि हल्के रंग का होता है। तुलसी के जो रंग तेल निकलता है, तुलसी से निकाला जाता है उसके बीजों से, वो है हल्के रंग का होता है। इसके तेल में कपूर, कैंपर, सिट्रोल, ये लिख लेना, कैंपर किस औषधीय फसल के तेल में मिलता है, सिट्रोल किस औषधीय फसल के तेल में मिलता है, जीरो, नी ऑल किस औषधीय फसल के तेल में मिलता है, नीलाइन एसीटेट, मिथाइल चावरनिकोल, यूजिनोल और प्रसाधन सामग्री, यानी कि प्रसाधन का मतलब होता है सौंदर्य, यानी कि अपने चेहरे को चमकाने के लिए, यानी कि प्रसाधन का मतलब सौंदर्य है, यानी कि आजकल के जो ब्यूटी पार्लर के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्रीम आती हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये केमिकल या इसके ऑयल के अंदर ये कंटेंट पाए जाते हैं। एक तो लिख लो, तुलसी के तेल के अंदर कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, तो तेल के अंदर एक तो निनाइल एसीटेट पाया जाता है, मिथाइल पाया जाता है, चारविकोल पाया जाता है, यूजिनोल पाया जाता है, प्रसाधन सामग्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है, डेंटल क्रीम यानी कि दांतों के लिए, साफ के लिए माउथ वॉश, मुंह साफ करने के लिए बेकरी, सूप, सलाद, सॉस, शैम्पू, मुरब्बे, औषधि के रूप में इसके विभिन्न अंगों का उपयोग किया जाता है, यानी कि उसके पत्तों का, तनों का, बीजों का। तुलसी के रस को शहद के साथ लगाने से कैंसर रोग, किसके रस को शहद के साथ उपयोग करने से कैंसर में रोग में
मतलब रिलीफ मिलती है, उपचार में किया जाता है, तो तुलसी का तेल यानी कि तुलसी का रस, सॉरी तुलसी के रस को शहद के साथ लेने से कैंसर रोग में उपयोगी है। तुलसी स्वाद में चटपटी, कड़वी कड़वी हल्की रूखी, पचने पर फुट एवं गर्म स्वभाव की होती है। ये विभिन्न रोगों का नाश करती है। क्या करती है? दिव्य औषधि है। निम्न में से कौन सी औषधि को दिव्य औषधि बोल सकते हैं अपन? दिव्य औषधि का मतलब महत्वपूर्ण है कि दिव्य औषधि तुलसी को बोल सकते हैं अपन। दिव्य औषधि औषध ये मलेरिया। हाँ, अब यहाँ से आ जाना कि तुलसी कौन कौन से रोगों के लिए काम करती है या उनसे राहत मिल सकती है। मलेरिया, श्वास, कफ, काशी, उल्टी, महिलाओं में होने वाले रोग, गठनिया, स्नायु, गुर्दा की खराबी से उत्पन्न उत्पन्न जिसे सोत, पथरी, सफेद दाग, रक्त, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना आदि में नियमित रूप से सेवन करने पर लाभ होता है। तुलसी में औषधीय गुणों के अतिरिक्त अन्य ऐसे गुण भी है जो जीवन जीवन स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तुलसी को नियमित सेवन हृदय की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि अगर आप तुलसी का रोज सेवन करोगे तो आपको हृदय में शक्ति मिलेगी। चलते हैं आगे। सफेद मूसली, सफेद मूसली का नाम आपने सबने सुना होगा। इसका कॉमन नेम सफेद मूसली है। वानस्पतिक नाम इनकी बॉटनिकल नेम है क्लोरोफाइटम। अब वो एग्जामिनर लिख देगा कि निम्न में से सफेद मूसली का बॉटनिकल नेम कौन सा है, तो क्लोरोफाइटम। सफेद मूसली का बॉटनिकल नेम क्या होता है? क्लोरोफाइटम, क्लोरोफाइटम। और इसका कुल होता है लिलियसी, लिलियसी। और भी कुल होते हैं, और भी पौधे होते हैं, तो आपको सफेद मूसली का कुल याद रखना है, लिलियसी। भारतीय भाषाओं में नाम, गुजरात में से धोली मूसली बोला जाता है। हाँ, ध्यान रखना, सफेद मूसली को गुजरात में धोली धोली मूसली बोलते हैं। मराठा में इसे सफेद अथवा सुफेला सुफेला बोला जाता है। मलयालम में इसे से दे बली। हाँ, यहाँ से पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, इसे से दे बली, से दे बली किसको बोलते हैं? तो अपन को याद रखना है कि सफेद मूसली को बोलते हैं। तमिल में से तानी वीतांग बोलते हैं, तानी वीतांग बोलते हैं। तमिल में से क्या बोलते हैं? तानी वीतांग। ऐसे मतलब सीधे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे शब्द का यूज कर सकते हैं कि निम्न में से कौन से औषधि पौधे का नाम है या किसका नाम है। मूसली को मानव मात्र के लिए प्रकृति द्वारा बहुमूल्य उपहार के कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि कोई मतलब एक यूं बोल सकते हैं अपन, इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसकी उत्पत्ति स्थान उष्ण, यानी कि सफेद मूसली का जो मूल स्थान है वो है उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। अफ्रीका का सफेद मूसली अफ्रीका का पौधा है। कहाँ का है? अफ्रीका का सफेद मूसली। कहाँ का है? अफ्रीका का है। और यहीं से ये पूरे विश्व में फैली है, यानी कि अफ्रीका से अन्य देशों तक पहुंची है। विश्व में 300 से अधिक, हाँ याद रख लेना, सफेद मूसली की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। कितनी? 300। सफेद मूसली की कितनी जातियां पाई जाती है? 300, जिनमें से 85% आज भी अफ्रीका में पाई जाती है। इनकी 75 सॉरी 85 प्रजातियां अफ्रीका में आज भी मिलती है। इसका उपयोग आयुर्वेद, स्टार लगा लेना, सफेद मूसली से ही क्वेश्चन पुट अप होने वाला है। राजस्थान में सफेद मूसली कोटा बारा में बहुत ज्यादा होती है, ये याद रखना। आयुर्वेद, एलोपैथिक, यूनानी दवाइयों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाली द्विदल
दिव्य जड़ी बूटी है किसकी? यूनानी दवाइयों में या एलो पैथी में और आयुर्वेद में सफेद मूसली का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। सामान्यतः पौधा प्राकृतिक रूप से जंगलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लेकिन आजकल इसकी खेती भी हो गई, परंतु जंगलों के अंदर अंधाधुंध कटाई व अपरिपक्व दोहन के फलस्वरूप जब यह पौधा लुप्त होने के कगार पर है, और यही कारण है कि अब यह विविध खेती की ओर प्राप्त ध्यान दिया जाने लगा है। सफेद मूसली एक कंद युक्त, इनमें से कौन से औषधि पौधे का यानी कि सफेद मूसली का कौन सा भाग यूज किया जाता है, यह याद रख लेना आपको कि सफेद मूसली का कौन सा भाग यानी कि कंद वाला यानी कि कंद भाग इसका यूज किया जाता है, कंद भाग का उपयोग किया जाता है। सफेद मूसली के कौन से भाग का औषधीय रूप में उपयोग किया जाता है? तो कंद का, वहां लिखेगा वो कंद का। सफेद मूसली के कौन से भाग का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कंद का यानी कि कंद का, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी कदली जड़ें जिन्हें कंद कहते हैं, ये रहा कि सफेद मूसली का कौन सा भाग उपयोगी है। तो कंद अथवा फिंगर्स की संख्या दी जाती है। जंगलों में वर्षा ऋतु में स्वयं उग जाती है। ग्रामीण आदिवासी उखाड़ कर सस्ती दरों में बेच देते हैं। इसी स्थिति में मूसली पूर्णतः तैयार नहीं हो पाती, जिसके कारण औषधि गुण भी विकसित नहीं हो पाता। उच्च गुणवत्ता वाली सफेद मूसली बाजार में 1800 से 2000 रुपये प्रति किलोग्राम मिलती है। यानी कि अगर सफेद मूसली है जो सबसे ज़्यादा रेट यानी कि 1800 से 2000 किलो तक बिक जाती है, जबकि विदेशी मुद्रा में इसका बाजार 3000 रुपये प्रति किलोग्राम तक होता है। चलते हैं आगे। औषधीय उपयोग, सफेद मूसली क्या काम करती है आपको सभी को ही पता है, ये शक्ति वर्ग वर्धक होती है यानी कि व्यक्ति को पावर देती है। यानी कि क्या करती है? शक्ति वर्धक होती है, व्यक्ति को पावर देती है काम करने का। मेधावर्धक, प्रसव उपरांत शारीरिक क्षतिपूर्ति, यानी कि जो प्रसव उपरांत, इनका मतलब है कि बच्चा होने के बाद में कोई लेडीज इसका उपयोग करती है, खाती है, तो उसकी उसको शरीर में बहुत जल्दी मतलब क्षतिपूर्ति हो जाती है, ब्लड वगैरह कंप्लीट तैयार जल्दी हो जाता है। हृदय दुर्बलता, यानी कि जिसका हृदय कमजोर होता है वहाँ पर भी ये उसको लाभ देती है। टॉनिक स्वरूप, बुढ़ापे में कमजोरी दूर करने वाली, यानी कि बुढ़ापे में भी आपको सफेद मूसली का अगर आप उपयोग करोगे तो आप घोड़े की तरह दौड़ने लग जाओगे, उसकी तरह काम करने लग जाओगे, ठीक है। प्रजनन क्षमता में वृद्धि के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति ये है उसकी जनन क्षमता या प्रजनन क्षमता कम है, तो अगर वो सफेद मूसली का उपयोग करे तो वहाँ पे उसको लाभ मिलता है, ठीक है। माताओं के दूध में बढ़ाने के लिए भी उपयोगी है। सफेद मूसली को दूसरी शिलाजीत यानी कि शिलाजीत किस औषधि को बोल सकते हैं? अपन सफेद मूसली को शिलाजीत की संज्ञा दे सकते हैं, यानी कि सफेद मूसली को दूसरा नाम अपन शिलाजीत भी बोल सकते हैं। चीन उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले पिगेंस जिनसेंग पेनिक्स का विकल्प माना जाता है। चीन उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले पौधे जिनसेंग एंड पेनिक्स का विकल्प माना जाता है। विदेशों में इसे केलाग जैसे प्लेक्स बनाए जाते हैं, जिनके पौष्टिक नाश्ते के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आ गई आपकी अगली वाली औषधि फसल सनाई। इसे सोनामुखी के नाम से जानते हैं। सनाई को अपने राजस्थान में क्या बोलते हैं? सोनामुखी के नाम से भी जानते हैं। वनस्पतिक नाम है केसिया। केसिया किसका वनस्पतिक नाम है, किस औषधि का नाम है? तो सनाई का। सनाई का औषधि बोटनिकल नाम क्या है? केसिया। और इसका कुल कौन सा है? फेबेसी। ये याद रखना ही पड़ेगा आपको, भले ही इनको 10 बार बोल बोल के रटो आप, पर लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ये कुल। सनाई का कुल कौन सा है? फेबेसी है। सनाई केसिया अंगिस्टिफोलिया इसका बोटनिकल नाम क्या है? कुल फेबेसी है। उपकल सीजल पीनाइडी का पौधा है। अरब और सोमोलिया में सनाई स्वर्ण पत्ती के नाम से किस
पौधे को जाना जाता है तो सनाई, स्वर्ण पत्ती के नाम से सनाई को जाना, जंगली रूप में मिलते हैं। एक अन्य प्रजाति भारत में पाई जाती है जिसका नाम, एक अन्य प्रजाति जिसका नाम भारत में क्या है, केसिया एक्यूटूफोलिया। भारत में सनाई की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, भारत में सनाई की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो केसिया। भारत में जो पाई जाने वाली सनाई की कौन सी, केसिया एक्यूटूफोलिया, केसिया एक्यूटूफोलिया भारत में पाई जाती है। विभिन्न भाषा में से अलग अलग नाम है, जैसे संस्कृत में मारकंडी, मारकंडी किसे मारकंडी बोला जाता है, निम्न में से मारकंडी कहा जाता है, या किस औषधीय फसल को मारकंडी कहा जाता है, या मारकंडिका या अभिनव हिंदी में से सनाई या सनायमकी या मुखी, बंगलों में सोनामुखी, गुजराती बंगाल में मैंने बंगाली में सोनामुखी बोलते हैं इसे, गुजराती में मीठी आंवल का आंवल सोनामुखी, कोकणी में कोकण, ये इधर है महाराष्ट्र में पड़ता है कोकण, ठीक है। तो यहाँ सेना मक्की, अंग्रेज में इसे इंडियन सेना बोलते हैं, इंग्लिश में इंडियन सेना किसे बोलते हैं, सनाई को बोलते हैं। दक्षिणी भारत में तिन्नेवेली, मदुराई, चित्रापल्ली आदि बड़े पैमाने में इसकी खेती की जाती है, यानी कि दक्षिणी भारत के जो ये क्षेत्र है ना, यहाँ यहाँ पर इसकी खेती की जाती है। एक तो तिन्नेवेली, मदुराई, ये महाराष्ट्र के अंदर ही हैं दोनों तीनों क्षेत्र, मेरे को जहाँ लग रहा है कि महाराष्ट्र और इधर गुजरात के बॉर्डर पर इसकी खेती होती है। त्रिपलापल्ली बड़े पैमाने पर खेती की थी। तिन्नेवेली में होने वाली सनाई अरब की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है, यानी कि अरबी की तरह, अरबी की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है। भारत में 20 करोड़ रुपये की सनाई की पत्तियां निर्यात की जाती हैं, कितने, 20 करोड़ की। राजस्थान में, यहाँ से आ जाओ, राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर जिलों में शुष्क जलवायु सनाई के लिए विश्व में सर्वाधिक उपयुक्त है, कि सनाई की खेती राजस्थान में सर्वाधिक की जा सकती है, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है और उत्तम अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। तो राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर जिलों के अंदर शुष्क जलवायु सनाई के लिए विश्व में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आंसर दे, क्वेश्चन पुट अप करेगा निम्नलिखित में से किस औषधि पौधे के लिए नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर उपयुक्त है, या तो आपको सनाई आंसर देना है, ठीक है। मतलब आप जब तक अनुभव नहीं करोगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब तक पढ़ने से नहीं, हाथों हाथ चैप्टर में से क्वेश्चन बनाने आपको आना चाहिए, तब जाके आप अपना पेपर हल कर पाओगे। ये एक एक पॉइंट वहां पर आपको आना चाहिए। बाड़मेर दे देगा, जैसलमेर दे देगा कि निम्न में से किस सभी जिलों के लिए उपयुक्त औषधि फसल कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि सनाई, सनाई औषधि उपयोग, सनाई का क्या क्या औषधि उपयोग है। तो अपन बात करते हैं, सनाई मुख्यतः एक रेचक, रेचक का मतलब होता है एक एलर्जी, है ना, का सॉरी रेचक लक्षटिव का कार्य करता है। इसकी पत्तियां एवं फलियों को सेनोनाइड्स पाए जाते हैं, जिनके उपयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है। वर्तमान में अनेकों आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक औषधियों में निर्माता इसकी पत्तियों का उपयोग औषधियों के निर्माण हेतु कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कई कब्ज नाशक, यानी कि जो जिसको कब्जी होती है ना, उन्हें चूर्ण के रूप में सनाई की पत्तियां ही होती है। इस पौधे के से प्राप्त रोल का इजिफल असा कदुस यूनानी दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। तो यहां से लिख लो मेरे भाइयों, ये दवा का नाम याद रख लेना, इजिफल असा कदुस में किसका उपयोग किया जाता है, तो सनाई का। ये दवा आपकी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, इसमें से अगर उठाएगा तो सनाई में से। असाकुदुस, इजिफल असाकुदुस यूनानी दवा है एक प्रकार की, जो कि सनाई के पत्तियों से बनाई जाती है, जिसका मस्तिष्क और पेट में
लसीले पदार्थ निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जूस पाउडर कैंसर व ट्यूबर के लिए उपयोग किया जाता है। देख लो कितने इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर। जूस पाउडर को कैंसर ट्यूबर के लिए उपयोग किया जाता है। सनाई के बीजों को अमलतास के साथ, अमलतास जानते होंगे आप, अमलतास के साथ दही में पीस कर त्वचा पर उपस्थित रिंग वर्म के उपचार हेतु उपयोग किया जाता है। इनकी कहीं आपके रिंग वर्म जैसी कोई समस्या है शरीर पर, तो वहाँ पर अगर आप उसे अमलतास के साथ पीस कर उसका पाउडर का लेप करके आपकी त्वचा पे लगाते हैं तो वहाँ पे आपको रिलीफ मिलती है। यदि सनाई के पत्ते का उपयोग पेट की बीमारियों से संबंधित औषध निर्माण के लिए किया जाता है, परंतु इसके साथ साथ अन्य रोगों में रोकथाम के अन्य औषधियाँ भी बनाई जाती है, जैसे पीलिया में काम आती है, एक तो अस्थमा में काम आती है, मलेरिया में, बुखार में और अपचय में। सनाई का सेवन करने के उपरांत 6 से 8 घंटे के अंदर रेचन क्रिया पूरी हो जाती है। कितने घंटे बाद रेचन? 6 से 8 घंटे के बाद रेचन। एक प्रकार के मैं थोड़ा मेडिकल के बारे में कम जानता हूँ, रेचन का मेरे को इंग्लिश अगर यहाँ पता होती तो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता, पर रेचन हिंदी में आता है तो ठीक नहीं, मतलब आप समझ जाना कि ये सनाई से संबंधित है, रेचन वर्ड है जो सनाई से संबंधित है, और इसका उपयोग करने से 6 से 10 घंटे के बाद शरीर में इसकी क्रिया मतलब पूरी हो जाती है। आदती कब्ज के लिए रोगियों में कुछ कोष्ठ शुद्धि के लिए सनाई, ये सब मतलब आयुर्वेद की ही टिप्स है, मतलब तो वहाँ पे यूज करते हैं ये से कोष्ठ शुद्धि, ये थोड़े मेरे को नहीं आते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कोष्ठ शुद्धि का मतलब क्या होता है मुझे भी पता नहीं है। के लिए सनाई उपयुक्त पौधा है। विकृत दोषों के लिए निवारण के लिए उत्कृष्ट पौधा है। इसी कारण तृतीय चातुर्थिक आज पर्यावरण में ज्वर पित्तजक अमावात संधिवात एवं कटिशूल गंधस्वी ये सब आयुर्वेद के हैं। कारण मल शुद्ध न होने से शरीर में मल संचय होने के अमलतास आदि की उपयुक्त औषधियों के साथ इसका सेवन करने दूषित पित्त और व्याधिजनक विषों का शरीर से निवारण होता था। इनकी इनका सेवन करने से शरीर से जो जहरीला या बीमारी है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। नवीन शुद्ध पिता से उत्पन्न हो जाता है। अब आते हैं गिलोय। भाई कोरोना में आपको सब ने इसका उपयोग किया होगा। गिलोय क्या होती है? गिलोई देखी होगी आपने, सब नीम के पत्तों, नीम के पेड़ के आसपास बहुत पतली एक लंबी सी डोरी की तरह, जिस पर कभी पत्तियां ख़त्म हो जाती है फिर भी वो जिंदी रहती है, और एक बहुत लंबी बेल होती है, उसकी अलग अलग वेती है, मोटी भी होती है, उसके साथ में अलग अलग तरह के पौधे होते हैं। लेकिन आप एक बार देखोगे गिलोई कैसी होती है, अभी मेरे पास इसमें नेटवर्क नहीं चला, मैं दिखा देता तो वो आप फोटो देख लेना कैसी होती है गिलोई। एक लंबी होती है, उसको काट कर आप कहीं पे भी रख दोगे तो ऑटोमेटिक जैसे नमी आएगी तो वो उगने लग जाएगी। इसकी उसमें बिना जड़ों के वो चल जाती है, इसकी विशेषता ये है। और वो नीम के पेड़ के सहारे या कोई दूसरा पेड़ भी होता है तो उसके साथ चलती है, लेकिन जो नीम वाली है वो ज़्यादा उपयोगी है। इसे गुड़ची कहा जाता है, गिलोई कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है टीनोस्पोरा। गिलोय का वानस्पतिक नाम क्या है? टीनोस्पोरा। और इसका कुल कौन सा है? मेनिसप मिरियसी। आयुर्वेद शास्त्र में गिलोय को ज्वर की एक उपयोगी औषधि मानकर जीवंती नाम दिया गया है। जीवंती नाम यानी कि ये इसको क्या है, इसके अगर जड़ नहीं होती फिर भी ये जीवित रहती है। अगर आपने देखा होगा उसको उखाड़ कर आप कहीं पे भी रख दो, जैसे ही उसमें 12-15 महीने 10 महीने तक भी वो ऑटोमेटिक चलने लग जाएगी, जैसे ही नमी आएगी वो खुद चलती है, यानी कि खुद ही उसके अंदर पत्तियां फुटान हो जाती है, इसलिए इसे जीवंती। जीवंती किस औषधीय पौधे का नाम है? इसे उपनाम पूछ सकते हैं क्योंकि आपका लेवल क्या है, 12th है, तो आपसे कुछ ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट नहीं है अधीन सेवा चयन बोर्ड को है, लेकिन बुक्स के हिसाब से आपसे ये जीवंती से संबंधित पूछ सकती है कि जीवंती किसे बोल सकते हैं। अब गिलोई तो सबको पता है कि गिलोई गिलोई कर रहे हो, लेकिन वहाँ देखा जीवंती निम्नलिखित में से किस औषधि का नाम है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा
कंफ्यूज हो जाएगा। तो और जीवंती का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है ज्वर के लिए, ज्वर की हो के लिए। अतः अमृत के समान गुणकारी होने से अमृता, जीवंती दूसरा नाम क्या है, अमृता। इसका दूसरा नाम भी क्या रख कर सकते हैं, इसे अमृता कहते हैं। अमृता नाम से किस औषधि को जाना जाता है, तो वो है गिलोई। जीवंती अमृता, जीवंती अमृता, ये दोनों नाम याद रखना है। ये समस्त भारत में विशेषकर गर्म स्थानों पर, इनकी राजस्थान तो है ही सही गर्म, ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान भारत के समस्त गर्म स्थानों पर प्रांतों में अधिक पाई जाती है। हिंदी में इसे गिलोय, इंग्लिश में से, इंग्लिश में देख लो टिनोस्पोरा बोलते हैं, लेटिन में से टिनोस्पोरा कार्डियो फोलिया कहते हैं। गिलोय की बहुवर्षीय चिकनी मौसल लता बहुत विस्तार में वृक्षों पर फैलती है। आगे इन वही बात कि ये एक पेड़ के सहारे पूरे पेड़ पर चढ़ जाती है, तन्मय के सहारे, और डोरे के समान सोरियां निकलकर भूमि पर लटकती है। इनकी बहुत बारीक इस पे धागे के, जैसे आपने बर्ड का पेड़ देखा होगा ना, वैसे ही समान इस पे भी बहुत बारीक बारीक लटरों के समान निकलती रहती है। उनसे ये एयर का काम करती है, इनकी प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, उसी से ये अपना भोजन बना लेती है और भूमि को लटकती है। इसके पत्ते पान के समान होते हैं, क्या होते हैं, पत्ते पान के समान होते हैं, 2 से 4 इंच के घेरे में गोलाकार नुकीली तिकने पतले 7 से 9 सिराएं। इतना नहीं पूछने वाला, लेकिन आपको ये दोनों नाम जीवंता, जीवंती अमृता याद रखना है, और इसका बॉटनिकल नेम याद रखना है, ठीक है, टिनोस्पोरा। बसंत ऋतु में पुराने पत्ते पीले होकर, हाँ ये आपको जब कहीं देखना देखोगे तो आपको पता लगेगा, बसंत का मतलब फरवरी में इसके पीले पत्ते होते हैं पेड़ के ऊपर, जहाँ इस नीम के साथ लगे हुए, ज्येष्ठ माह में नवीन पत्ते, इनकी अपने जो ज्येष्ठ का मतलब है गर्मी के टाइम पर जब फुटान वापिस होती है तब इसके नए छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, उसी समय हरापन युक्त इसका मतलब जो उसका जो पौधे का जो वैसे तो ग्रीन ग्रीन दिखाई देती है वो, लेकिन ये सूखने के बाद हल्की सी ब्राउन हो जाती है, पीले रंग में हो जाती है, केवल पीले रंग के फूल के गुच्छे आते हैं, ठीक है। आगे चलें, गिलोई गिलोई में अपन चल रहे हैं, इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसबगोल। एक मिनट, कहीं पेज इधर उधर तो नहीं हुआ ना, मैं देख लेता हूँ। 142 पीले रंग के गुच्छे आते हैं, इसे इसके फल मटर के समान होते हैं, पकने पर लाल हो जाते हैं, बाद में कुछ टेढ़े चिकने होते हैं। गिलोय के मूल तथा तने का उपयोग औषधि के, यानी कि गिलोय के कौन से भाग का अपन यूज करते हैं ये पूछ सकता है, क्योंकि आपने कोरोना में किया है तो पत्तों का नहीं करते, तने तथा मूल यानी कि उसकी जड़। गिलोय के कौन से भाग का औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, तो एक तो उसका जड़ और उसका तने का उपयोग किया जाता है। ताजी अवस्था में तने की छाल हरी मांसल रहती है, मैंने पहले बता दिया कि वो जब नई होती है इनकी पत्तियां होते हैं तो मांसल रहती है और हरी छाल होती है, हरी, ठीक है, तथा उस पर पतली भूरे रंग की बाहें त्वचा, मैंने ब्राउन कलर बताया है आपको, तो ये ऐसी रहती है जिस पर पपड़ी निकलती रहती है यानी कि छिलके उतरते रहते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, इनको काटने के अंदर भाग चक्राकार दिखाई देता है। ताजी एवं हरी गिलोय अधिक, अब ये इस बार क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सी गिलोय का उपयोग अधिक लाभप्रद होता है, तो ताजी और हरी, इनकी उसका तना हरा होना चाहिए, वो ग्रीन अवस्था में अपने को दिखाई देनी चाहिए, उसका अधिक लाभ मिलता है। इसका संग्रहण करना चाहिए गर्मी के मई के अंत में, इसका संग्रहण करना चाहिए, प्रयोग में पूरा ऊपर की छाल खुरच कर निकाल देना चाहिए, इनके ऊपर की जो ग्रीन इसमें गंध नहीं होती किंतु स्वाद कड़वा होता है, ठीक है।
इसबगोल, एक मिनट, इसबगोल नीचे से स्टार्ट होगा लेकिन यहाँ कैसे आया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ तो ठीक है, अभी वहीं से देखेंगे वापस। उपयोग यानी कि गिलोई का क्या क्या उपयोग है। आयुर्वेद अनुसार गिलोई को कुटू, तिक्कू, कसाय, रसयुक्त, विषाक्त, विषाक्त में मधुर रस युक्त रसायन संग्राही, वर्ष वीर्य, लघु बल कारक, अग्निदीपक, ये नामों से जानी जाती है। ठीक है, ये श्वास काश मूत्र गच हृदय त्वात तो सब नाश, सबका नाश करने वाली होती है। क्या लिखा है, गलत, मतलब बहुत सबका नाश करने वाली होती है। गजब सेंटेंस। गिलोई पत्र आग्ने सर्व प्रकार के ज्वर को दूर करने वाले, लघु कपाशीय कटु, तिक रक्त युक्त विपाक, मधुरस युक्त रसायन बल कारक, यानी कि जो अपना जुकाम जो हो जाता है उसे कहते हैं बलकारक, उस उनको साफ करने में का काम करती है। और कोरोना में यही चीज को इसने अपने इसको मतलब व्यक्ति का सांस बंद नहीं होने दिया, यानी कि वो जो लंग्स के अंदर जो ककार बनती थी उसको ही इसने काट के बाहर निकाल दिया था, इसलिए इसे बलकारक के रूप में भी का काम करती है। ठीक है, आचार्य चरक ने गिलोई को मुख्यतः वात हर माना है। वात यानी कि पीत, जबकि बाद में कई आचार्य ने तिरोदोष हर दोष, ये भाई अपने बस की बात नहीं है क्योंकि पढ़ा भी नहीं, और मैं आपके कब बोल दूं कि इसका मतलब ये होता है, कहीं आपको गलत बता दे फिर बाद में बोलोगे सर ये। तिरदोष अब आपको पता नहीं तिरदोष होता क्या है, हर तिरदोष तो मैं नहीं बताऊंगा इसका। नवीन अनुसंधान अनुसार गिलोय का व्याधि प्रतिकार गुण व्यापक रूप से प्रमाणित हुआ है। जीर्ण पूर्ति केंद्र जनित विकार, जीर्ण विषम ज्वर, यकृत की हीन कार्यता आदि में काल में तक गिलोय का प्रयोग करते रहने से लाभ होता है। अब आती है अपने जो राजस्थान का स्टार है मेडिसिनल में, वो है इसबगोल। इंडिया राजस्थान को इसबगोल के नाम से फर्स्ट प्राइज मतलब फर्स्ट स्थान है उत्पादन में, भारत के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा इसबगोल होता है। इसबगोल की खेती राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर में की जाती है। सामान्यतः इसबगोल का बॉटनिकल नेम ये है प्लांटेगो ओवेटा फाकस पारसक, कुल है प्लांटेन जीनेसी। चलते हैं, इसबगोल एक महत्वपूर्ण औषधीय फसल है। इसका मूल उत्पत्ति पश्चिमी एशिया है। इसबगोल का मूल स्थान पश्चिमी एशिया, भारत इसका सर्वाधिक उत्पादक एवं निर्यातक है। क्या है इसबगोल, भारत में भी सर्वाधिक इसबगोल, यानी कि विश्व की सर्वाधिक इसबगोल भारत में होती है। भारत में मुख्य रूप से गुजरात राजस्थान में उगाया जाता है। भारत में इसबगोल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका पहला आएगा राजस्थान, फिर आएगा गुजरात। गुजरात के मेहसाणा और साबरकांठा जनपदों में लगभग 50,000 हेक्टेयर के मेस की खेती की जा रही है, जबकि राजस्थान के जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, सिरोही। हेक्टेयर में क्षेत्र में उगाया जा रहा है। विगत वर्षों में मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र जैसे मंदसौर में भी इसबगोल हो रहा है। मल्हारगढ़, मनासा, नीमच एम मंदसौर की तहसीलों में भी लगभग 5,000 हेक्टेयर में इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसबगोल उत्पादन की सरल प्रक्रिया थोड़े समय में अधिक लाभ मिलने वाली है। इसके उत्पादन में बिक्री, चलो ठीक है, भारतीय कृषि उल्लेखनीय बात है कि वर्तमान भारत में निर्यात होने वाले औषधीय फसलों में इसबगोल प्रथम स्थान पर है। भारत में औषधीय फसलों में सबसे नंबर वन पर है तो इसबगोल, नंबर एक औषधीय फसलों में सर्वाधिक उत्पादन भारत में इसबगोल का होता है। इसे विदेशी मुद्रा अर्जित से बहुपयोगी निर्यातमुखी फसल की संज्ञा दी जा सकती है। अब इसबगोल का मेडिसिनल यूज क्या है, इसबगोल के बीज व भूसी यानी कि इसका इसबगोल का
अपन कौन से भाग का अपन यूज करते हैं, तो पहला तो है सीड, दूसरा है इसका भूसी जिनकी जो खाकल अपन बोलते हैं यानी कि उसका कचरा, विभिन्न प्रकार से औषधि निर्माण में उपयोग किया जाता है। इस गोल आधारित अनेक औषधियाँ पाउडर भूसी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित है। इसबगोल की भूसी पुराने कब्ज देख लो क्या है बीमारियों के काम में आती है, अतिसार, पेट की सफाई, बवासीर, आउपेचिस जैसी सारी रोगों को दूर करने में आयुर्वेदिक औषधि के रूप से प्रयुक्त की जाती है। इसबगोल का गाढ़ा सर्दी जुकाम में पिया जाता है, इसका सौंदर्य प्रसाधन में भी पिया किया जाता है। इसबगोल का डाई केलिको प्रिंटिंग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे आइसक्रीम निर्माण में रंग रोगन के काम में भी उपयोग किया जाता है। इसबगोल का बच्चा छिलका प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है जिसे मुर्गियों के आहार में भी उपयोग किया जाता है। अब आ गए आपका रतनजोत जेट्रोपा ककस एल। रतनजोत का बॉटनिकल नेम क्या है, राजस्थान में कहाँ होती है, आप दिमाग लगाओ कहाँ होती है राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहाँ रतनजोत की खेती होती है। इसका बॉटनिकल नेम जेट्रोपा ककस एल। उत्पत्ति है उत्तरी पश्चिम मध्य भारत है और इसका उपयोगी भाग रतनजोत का बीज, केवल इसका बीज ही उपयोग में लिया जाता है। रतनजोत या जंगली अरंड इसे क्या कह सकते हैं, जंगली अरंड ये जाड़ी नुमा 2 से 7 फीट ऊंचा औषधीय पौधा है जो भारत के सभी प्रांतों में पाया जाता है। साधारणतः पड़त भूमि यानी कि अयोग्य भूमि जो कृषि योग्य नहीं होती है, कृषि के चारों ओर बाड़ के रूप में उपयोग किया जाता है। राजस्थान में दक्षिणी अरावली पर्वत वाला जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में इसका औषधि उपयोग होने के कारण अति महत्व हो रहा है। अति महत्व हो गया है। इसके पाए जाने वाला तत्व कैंसर प्रतिरोधी यानी कि देख लो इसके अंदर जेट्रोपा यानी कि रतनजोत के अंदर भी क्या कौन सी क्षमता है, कैंसर से लड़ने की क्षमता है। अतः कैंसर संबंधित औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, रतनजोत का उपयोग कैंसर के दवाइयों में, इसका उपयोग बीजों का तेल का उपयोग भी, इसका रतनजोत के बीजों का उपयोग दाद खुजली गठिया लकवा आदि बीमारियों में किया जाता है। इसकी पत्ती के स्वरस का उपयोग बवासीर उदर संबंधित में भी किया जाता है। औषधियों के अतिरिक्त रतनजोत औद्योगिक दृष्टि महत्वपूर्ण पौधा है। सौंदर्य प्रसाद साबुन रंगाई छपाई जैसे इन बायोडीजल रतनजोत के बीजों का जैविक ईंधन में भी बायोडीजल के रूप में भी काम लेते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ईंधन के रूप में भी मील का पत्थर साबित होगा। ये आपके क्वेश्चन छोटे बच्चों के हैं, आपके तो नहीं है लेकिन पूछ ले डायरेक्ट हिंदू धर्म में कौन से, तो तुलसी है ही सही। इसके बाद किस औषधि पौधा का रेचक के रूप में सनाए है ही सही और इसके रेचक हाँ तुलसी। एक मिनट तीसरा क्वेश्चन मैं देख लाता हूँ, सॉरी यार। तीसरे में आंसर सही है ना अपना, सनाई सही है। किस पौधे के बीजों का तेल बायोडीजल, ये आपका आएगा रतनजोत। इस सफेद मूसली का भारतीय बाजार में 1800-2000 रेट है ही सही। भारत में निर्यात वाली औषधि सर्वाधिक ये अपनी सब गोल है ही सही। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बनिए रहिए वीडियो में। अगले वीडियो में आपके लिए फिर से फूलों की खेती के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।